हे दोस्तों, एनवायरनमेंट को बचाने के लिए और इसको साफ रखने के लिए हम बहुत से तरीकों के बारे में सोचते हैं, लेकिन सबसे अच्छा और आसान तरीका माना जाता है 3 R's। आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि ये 3 R क्या होते हैं। दोस्तों, हम जैसे अपने वेस्ट को हैंडल करते हैं उसका इम्पैक्ट ग्लोबल वार्मिंग पे होता है, जो कि हमारे पूरे इकोसिस्टम पे भी पड़ता है। हम सब ने अपनी स्कूल लाइफ में इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा है, लेकिन वेस्ट मैनेज करने से यानी वेस्ट को और इफेक्टिव तरीके से डिस्पोज करने से हम एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचने से कम कर सकते हैं। और वेस्ट को इफेक्टिवली डिस्पोज करने के 3 रूल हैं, जिसे शॉर्ट में 3 R कहते हैं, जिसका मतलब है रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। जहाँ रीयूज का मतलब है सेम आइटम को दोबारा यूज करना, यानी नेचुरल रिसोर्सेज को दोबारा यूज करना। रिसाइकल का मतलब है सेम वेस्ट को यूजफुल थिंग में कन्वर्ट करना। और रिड्यूस का मतलब है जो चीजें एनवायरनमेंट को हार्म करती है उनका कम यूज करना। बहुत से स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि रीयूज और रिसाइकल में क्या डिफरेंस है, जबकि रीयूज और रिसाइकल एक दूसरे से बहुत अलग है। रीयूज करने में आइटम का ओरिजिनल फॉर्म चेंज नहीं होता है, लेकिन रिसाइकल में अलग अलग तरीके से एक नया प्रोडक्ट बनता है और प्रोडक्ट की फॉर्म को भी चेंज कर देता है। रीयूज से एनवायरनमेंट में कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन रिसाइकल से कभी कभी एनवायरनमेंट को नुकसान होता है। रीयूज एनर्जी सेव करता है क्योंकि उसमें कोई भी प्रोसेस नहीं लगता, लेकिन रिसाइकल में थोड़ी बहुत एनर्जी यूज होती है। रिड्यूस का ऑब्जेक्टिव है बेसिक मटेरियल से अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाना, और रीयूज का ऑब्जेक्टिव है सेम आर्टिकल की लाइफ इंक्रीज करना। रीयूज टर्म एक कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड है जिसमें फर्स्ट दो लेटर RE यानी री, जिसका मीनिंग है अगेन एंड अगेन, और सेकेंड वर्ड है यूज, जिसका मीनिंग है एप्लीकेशन या यूटिलाइजेशन। सो जैसा कि नाम से पता चलता है कि रीयूज का मतलब किसी चीज को एक बार से ज्यादा सेम या अलग अलग तरीके से यूज करना। रीयूज में सेम प्रोडक्ट को अलग अलग तरीके से क्रिएटिव वे में किसी और फंक्शन के लिए यूज करना एक इको फ्रेंडली टेक्निक है, और साथ ही मनी, टाइम और एनर्जी भी है। और रिसोर्सेज का रीयूज प्रोडक्ट की लाइफ को बढ़ा देता है और उसका फंक्शन भी अलग कर देता है। रिड्यूसिंग वेस्ट के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे एक नया प्रोडक्ट खरीदने से पहले हर किसी को प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहिए कि वो दोबारा यूज हो सकता है या नहीं। नया आइटम खरीदने के बदले हमें और ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना चाहिए, जैसे बोरोइंग, रेंटिंग, एक्वायरिंग और यूजिंग सेकेंड हैंड आइटम्स, जो कि रीयूज का एक फॉर्म है। रिसाइकल एक प्रोसेस है जिसमें वेस्ट मटेरियल को रीयूजेबल मटेरियल में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। ये एक अच्छा तरीका है ट्रेडिशनल वेस्ट डिस्पोजल का, जो कि मटेरियल सेव करता है और ग्रीन हाउस गैसेस को रिलीज होने में रिड्यूस करता है। अब आपको 4 प्रोसेस के बारे में शॉर्ट में बताता हूँ। पहला है अपसाइक्लिंग। इस प्रोसेस में वैल्यू एडिशन होती है एक आइटम को यूज करने के लिए। दूसरा है डाउनसाइक्लिंग। इस प्रोसेस में प्रोडक्ट अलग अलग किया जाता है ताकि वो रीयूज हो सके। तीसरा है रिसाइक्लिंग। ये एक कचरा कम करने की तरकीब है जिसमें हम उन चीज़ों को खरीदकर उनके ऊपर कुछ नया प्रोसेस करते हैं, नई चीज़ें या नया ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, यानी जो मटेरियल वेस्ट क्रिएट करता है उसको यूज करके नई चीज़ें बनाते हैं। चौथा है ई साइक्लिंग। इसको हम इलेक्ट्रॉनिक रिसाइक्लिंग भी कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के कंपोनेंट्स को और पार्ट्स को डिसमेंटल किया जाता है ताकि वो यूज हो सके और डिस्कार्ड होने से बच सके। रीयूज मतलब है कि प्रोडक्ट को सेम या डिफरेंट मैनर में यूटिलाइज करना जब उसका ओरिजिनल पर्पस फुलफिल हो चुका होता है। इस पर्पस से यूजफुल मटेरियल की पोटेंशियल को बढ़ाया जाता है और वेस्ट रिड्यूस होता है, जिससे एनवायरनमेंट को कम नुकसान होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कि रीयूज और रिसाइकल करने से हम भी कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं और इन प्रोसेस से एनवायरनमेंट को नुकसान होने से भी बचा सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसकी इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी। लाइक करें और शेयर करें वीडियो को, और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आप मेरे चैनल संजय मीना पे पहली बार आए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप ऐसे इन्फॉर्मेटिव और नॉलेज वाले वीडियोस सबसे पहले देख सकें। फाइनली, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।